देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बुरे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड के बाद बागीपुल जाओ सड़क बाधित हो गई है। पुंछ में बाढ़ में फंसे 14 लोगों को सेना और एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। करगिल में बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई घर तबाह हुए हैं। राजस्थान के पाली शहर में जगह जगह बारिश का पानी भर गया है। अंडर ब्रिज में एक कार फंस गई और यूएई में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है। देश दुनिया में बाढ़, बारिश और प्राकृतिक आपदा से जुड़ी खबरों के लिए देखिए सैलाब काल टॉप 9। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से काफी परेशानी हुई है। भारी बारिश के चलते बागीपुल जाओ सड़क बाधित हो गई। ऊपर से नीचे आता मलबा देख लोगों में दहशत बैठ गई और लोग एक दूसरे को बचने की चेतावनी देते सुनाई दिए। सड़क बहाल करने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण पुंछ नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में फंसे 14 लोगों को सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू पुलिस जिले में बाढ़ के बाद बने खराब हालात को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। करगिल और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश और बादल फटने से कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात हैं। बादल फटने के बाद फसलों और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई घरों के पूरी तरह बर्बाद होने की खबर है। करगिल और इसके आसपास के इलाकों में बार बार बादल फटने को जलवायु परिवर्तन और पिघलते ग्लेशियरों की वजह से हुई घटना माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हुआ है, जिससे कई गाड़ियां फंस गईं। जानकारी के मुताबिक रामबन के कैफेटेरिया मूर और पंटियाल इलाके में पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बाधित हुआ। जम्मू से कश्मीर जाने वाले अमरनाथ तीर्थयात्रियों को भी फिलहाल रोक दिया गया है और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी है। राजस्थान के पाली जिले में हुई बर्बादी की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जहां एक ओर पाली की सड़कों पर पानी भरा है, वहीं पाली की खस्ताहाल अंडरब्रिज में एक कार फंस गई। हालांकि समय रहते लोगों की मदद से कार को निकाल लिया गया और हादसे में किसी को भी ज्यादा चोट लगने की खबर नहीं है। जिले में हुई भारी बारिश के बाद डीएम ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। बारिश के बाद से राज्य के सबसे बड़े बांध में पानी लगातार बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं अगले 24 घंटों में गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में रविवार तक बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। यहाँ पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में बारिश और बाढ़ से हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। बलूचिस्तान में हुई तबाही में अब तक 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्य के 10 जिले बारिश से प्रभावित हैं और बारिश के चलते 650 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। PDMA के मुताबिक बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। यूनाइटेड अरब अमीरात में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते जलकहर जारी है। पानी ने पूरे शहर में जमकर तबाही मचाई। घर, दुकानें और सड़क सब जगहों पर पानी का कहर दिख रहा है। UAE में भारी बारिश और बाढ़ के कारण आपातकाल लागू है। मूसलाधार बारिश से शारजहां, रास अल खैमा और फुजराह विशेष रूप से प्रभावित हुए। जानकारों का कहना है कि UAE भी जलवायु परिवर्तन के चलते ऐसी स्थिति को देख रहा है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।